हेलो, वेलकम टू डेजीज हेल्दी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लो कैलोरीज सूजी उपमा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, अनियंस, चने की दाल, मूंगफली, राई, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू का रस, सॉल्ट, ऑयल और करी पत्ता और वाटर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें सूजी को डाल के भूनेंगे। अगर आप इसको लो कैलोरीज नहीं बनाना चाह रहे तो आप प्योर घी में भी सूजी को भून सकते हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हैं। सूजी में से खुशबू आनी शुरू हो गई है, इट मीन्स कि ये रोस्ट हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने सूजी निकाल ली है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गए हैं, अब हम इसमें राई डालेंगे, रेड चिल्ली डालेंगे, ग्राउंड नट्स डालेंगे और साथ ही दाल डालेंगे। इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये चने की दाल भुन गई है, अब हम इसमें अनियन डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे। अनियन को हम ट्रांसपेरेंट होने तक भुनेंगे। हमारे अनियंस ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब हम इसमें वाटर डालेंगे। साथ ही सॉल्ट भी डाल देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम में उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक ये दाल गल ना जाए। ये हमारी दाल टेंडर हो गई है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम में करके पहले इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको धीरे धीरे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे इसके लम्स ना बने। ये हमारा उपमा तैयार है, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। पहले गैस को बंद कर देंगे। इसे हमने बाउल में डाला है, अब हम इसे प्लेट के अंदर निकालेंगे। ये हमारा उपमा तैयार है। क्योंकि हमने इसमें प्योर घी को नहीं यूज़ किए इसलिए ये लो कैलोरीज है। अगर आप इसको लो कैलोरीज नहीं बनाना चाहते तो आप पहले सूजी को प्योर घी में भी भून सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपनी वैल्यूएबल सजेशंस देना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।